तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर झटका देने वाली एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि रांची में 300 दुकानों को झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भेजा है नोटिस। दुकानदारों में मच गया है हड़कंप। चलिए देख लेते हैं। राजधानी के दुकानदारों के लिए एक बड़ी खबर यहाँ पर सामने निकल कर आई है। रांची के 300 दुकानों को नोटिस जारी कर दिया गया है और यह आदेश दिया भी गया है कि झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने यह नोटिस जारी किया है। उनका मानना है कि यहाँ पर जो भी दुकानें वगैरह खोली गई है, 300 से ज्यादा दुकानें, उनको जल्दी से जल्दी यहाँ से हटा कर दिया जाए। शायदा दे कि यह मामला आवासीय परिसर में शॉपिंग मॉल और दुकानें खोलने से जुड़ी हैं, जिसमें बोर्ड ने हरमो और अरगोड़ा स्थित करीब 300 दुकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया है। तीसरे नोटिस में हटाई जाएंगे दुकानें। ये तो पहला नोटिस है, यानी कि दो और नोटिस देने के बाद यहाँ पर इनको वहाँ से हटाया भी जा सकता है, या फिर सख्त एक्शंस लेकर बुलडोजर या बाकी जो चीजें करके उनको वहां से हटाया जा सकता है, या फिर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है उनको वहां से जबरदस्ती हटाने के लिए। आवासीय परिसर में शॉपिंग मॉल और दुकान खोलने मामले में झारखंड राज्य आवास बोर्ड की ओर से नोटिस जारी होते ही दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि बोर्ड की ओर से यह पहली नोटिस है, वहीं तीसरे नोटिस के बाद बोर्ड की ओर से दुकानदारों को दुकान हटाने का आदेश दिया जाएगा। और अगर उन्होंने तीसरा नोटिस दिया, इसके बाद इनकी मजबूरी हो जाएगी दुकानदारों की, खासकर 300 दुकान के मालिकों की, कि उनको यहां से हटना ही पड़ेगा, वरना उनके खिलाफ सख्त एक्शंस लिए जाएंगे। जोहार।